तो अब अपन को क्या करना, ये वाले हाईलाइट वाले पोर्शन जो थे वो छोड़ दिए थे अपन ने पहले ही, ठीक है, ये रहा ये रहे। और ये एक एरिया मैंने ऐसे बनाया, ऐसे थोड़ा और पास कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक और एरिया बनाया इस तरीके से हल्का सा, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। यहाँ रेफरेंस में देख सकते हो ये वाले एरिया में ज्यादा हैचिंग सी है, तो अपन को एक बेस लेयर तो चाहिए ही है। तो बेस लेयर अपन क्या करें, पास पास लगाओ लगाना ये, और वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाओ। लाइक तुमने एक सेगमेंट बांट लिया कि ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, और ये एक सेगमेंट है, तीन सेगमेंट में बांटा, तो एक एक सेगमेंट लो और उसमें पास पास वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाओ एज अ बेस लेयर तुम्हारी, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा, ये ऊपर जाते जा रहा है, ये ऊपर वाले हिस्से में यहाँ जा सकता है, ठीक है, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये हुआ, अब ये वाला जो है ये करना है अपन को, वर्टिकली डालता जा रहा हूं मैं। देखो हाइलाइट्स जो छोड़े हैं ना अपन ने, ऐसा नहीं कि खाली एकदम छोड़ दो, इनके अंदर हल्के हल्के स्ट्रोक्स जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये आउटलाइन तुम्हारी एक रेफरेंस के लिए था, एकदम ब्लैंक छोड़ने के लिए नहीं था। ये हुआ, अब ये वाला एरिया आता है अपना, तो अपन ने इस तरीके से वर्टिकल से हल्के हल्के स्ट्रोक्स डाल दिए, ठीक है। तो ये अपनी बेस लेयर होती है। अब अपन एक पोर्शन पकड़ेंगे आई के नीचे वाला, तो आई के नीचे वाला तुम्हें पता है अपन ने इधर पे भी करा था, क्रिस क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस हैचिंग में है। तो यहाँ से एक डायरेक्शन तो तुम्हें पता है ये आ रही है, तो इसी को कंटिन्यूएशन में देना है तुम्हें, इस तरीके से देते जाओ। ये थोड़ा डार्क करना थोड़ा सा, ये हुआ। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ये जा रहे ना, क्रिस क्रॉस हो रखा है यहाँ पे पूरा, तो इस डायरेक्शन में तुमने अब इधर पे स्ट्रोक्स लगाए, तो ये अपना ऐसे स्ट्रोक्स से फिल हो गया, ये अपना आईज के नीचे वाला पोर्शन हो गया। थोड़े स्ट्रोक्स यहाँ पे और लगा लो, थोड़े डार्क, ताकि एकदम ही डार्क ना लगे, थोड़ा ब्लेंड होता हुआ देखे नोज के पास। तो इस तरीके से हुआ, ये जो नीचे वाला कर्व था अपना, इसको थोड़ा डार्क करो। ओके, ये जो ऊपर वाला कर्व था इसको थोड़ा डार्क करो। थोड़े आईलैशेस थे अपने वो बना लो, थोड़ी हल्की हल्की टिप यहाँ पे हल्की सी हैचिंग करी है अपन ने, थोड़ी हल्की सी हैचिंग बैक पे करी। तो जो आउटलाइन है ये थोड़ा डार्क करो, और आईलैशेस भी जो है थोड़े से बना दो, हल्के हल्के तुम्हें बनाने हैं। तो इस तरीके से अपना आई वाला पोर्शन हो जाता है। ओके, तो इतना करो। तो अब क्या करना, मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि अपन कोई डायरेक्शन ढूंढो, जैसे जॉ लाइन वाली है, ठीक है, जॉ लाइन वाली डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये इसी को करते करते थोड़ा आगे बढ़ाओ। तो मैंने जो शेप बताया था यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, अपन वही बना रहे थे नीचे भी, तो उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि अपन ने थोड़ा बीच में स्टेप्स छोड़ दिए, मतलब स्टेप्स कह रहा है बीच में छोड़ दिया था, तो तुम लोग ये पार्ट ज्यादा एकदम ही डार्क कर दो और एकदम लाइट रहे, नहीं, अपन को कॉन्ट्रास्ट में रखना है कि जितना ये है उतना ही ये हो रहा है। थोड़ा सा डार्क हो सकता है ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में, लेकिन अल्टीमेटली एक ही जैसा रखना। तो ये कर रहे अपन, ठीक है, ये करते करते ऊपर आ रहे अपन, और ऊपर आते आते थोड़ा सा लाइट हो जाओ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कट ऑफ कर दो, इतना काफी है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, ये अपने पास एक डायरेक्शन, तो अपने पास ये जो डायरेक्शन है अब इसमें ऐड करने लग गए, तो अब ये थोड़ा डार्क हो रहा है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे जो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो मैं डालूंगा अब ये वो ऊपर वाले के मैच में आ रहे हैं। तो तुम्हें इस तरीके से बहुत एकदम नीचे तक नहीं ले जाना है, तुम्हें यहां तक रखो, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो
अपन ये दोनों डायरेक्शन हो गई अपनी, तब यहाँ वाली जो डायरेक्शन नोस से आ रहे हैं ऐसे, ये डालो थोड़ी, ठीक है, यहाँ से जो मूछो वाले ये आ रहे नोस से, इसी को कंटिन्यूएशन आगे आ जाएगा, इसी को कंटिन्यूएशन आ जाएगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे आएगा, यहां से अब थोड़ा नीचे तक इधर तक ले जाओ, ओके, क्योंकि फिर अपन को ये थोड़ा डार्क करना है ये वाला पोर्शन, और पास पास रखना, आराम आराम से करना, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे यहाँ करो, थोड़ा एक बात याद रखना, कॉन्ट्रास्ट अपन को मिलाना है, ठीक है, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्केच, तो मैं अपना थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ओके, इस तरीके से मैंने प्रेशर बढ़ाया और ये मैंने इस सब पूरे ऐसे फिल कर दिया, ठीक है, तो लेकिन अभी भी मेरे को उतना डेप्थ नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और डायरेक्शन थी मेरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो मैं इसी का एक्सटेंशन करते करते, जैसे यहाँ छोड़ा था अपन ने, तो इसी को मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगा, और अब मैं ये वाले हिस्से में पकड़ूंगा जहां लाइट लाइट छूट गया, जैसे ये तो डार्क है, तो इसको मैं यहाँ यहाँ करने लग गया, ठीक है, तो इस तरीके से अपना हो गया, अब यहाँ देख सकते हो रेफरेंस में थोड़े यहाँ पे थोड़े डार्क से स्ट्रोक है, ऐसे मूछों पे थे, तुमने क्या किया यहाँ पे से थोड़े नीचे की तरफ बना और यहाँ पे थोड़े से क्रिस क्रॉस कर दिए, वर्टिकल में बना दिए थोड़े से स्ट्रोक्स, ठीक है, फिर ये वाली जो है थोड़े से स्ट्रोक्स यहाँ पे जो जा रहे हैं इस डायरेक्शन में थोड़े से डार्क बना, बहुत डार्क बना दोगे तुम लोग, मैं पहले ही बता रहा, तो ध्यान रखना, कंट्रोल रखो पेंसिल पे, थोड़े से स्ट्रोक्स यहाँ पे ऐसे सेंटर में बना दो, ठीक है, इस तरीके से अपना एक प्रीटी बेसिक हैचिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तुम्हें लग रहा कि यहाँ यहाँ छोड़ा छूटा हुआ, तुम एक डायरेक्शन खुद से कर सकते हो, ठीक है, पूरा नहीं भरना उसे, थोड़े दूर दूर लगाना, जो आप तुमने फाइनल जो लेयर लगा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ईयर की आउटलाइन करना है, इस तरीके से थोड़े हैचिंग ईयर में डालो, अब इसे वर्टिकल थोड़ी यहाँ पे ऐसे, तो ये अपना चेहरा जो है फेस की शेडिंग हो जाती है, लिप्स बसते हैं, तो पहले इतना कर लो,